आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी स्पीच को किस तरीके से पीस पीस करके, मतलब टुकड़े टुकड़े करके ट्रांसलेट किया जाता है। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है, मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। माई नेम इज विंग कमांडर अभिनंदन, आई एम अ पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। I was trying to find a target, your Air Force shot me down. और एक बात का ख्याल रखिएगा, जो हमने यहाँ पे शॉट यूज करा, ये शूट की सेकेंड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म है शूट और सेकेंड फॉर्म है शॉट, शूट शॉट, ठीक है। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था और मैंने इजेक्ट किया। उसके बाद मुझे अपने जहाज को छोड़ना पड़ा जो टूट गया था और मैंने इजेक्ट किया। After that, I had to eject from my aircraft, which had broken up, and I ejected. इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला। As soon as I ejected, after that, my parachute opened. और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी। और जब मैं नीचे गिरा तो मेरे पास पिस्टल थी। एंड व्हेन आई फेल डाउन टू द ग्राउंड आई हैड अ पिस्टल विद मी, या तो पिस्टल विद मी, ठीक है। और लोग बहुत ज्यादा थे और मेरे पास बचाव के का सिर्फ एक ही साधन था, मैंने अपनी पिस्टल गिरा दी। There were too many people and I had only one option. I dropped my pistol. या तो I dropped my pistol. तो मैंने भागने की कोशिश की, मेरे पीछे लोग आए थे। So I tried to escape. The people chased me. उनका जोश काफी ऊंचा था। They were very impatient. उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के दो जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहां से। At that time, two soldiers from Pakistan army arrived there and they saved me. पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए। They were captains of Pakistan army, they arrived. उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। They saved me from these people and any harm. फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया। Then they took me to their unit. Where I was giving first aid. And फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। Then I was taken to the hospital, where I was examined and giving further treatment. पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। The Pakistan Army is very professional service. I see peace in it. I have spent time with the Pakistani Army. I am very impressed. मुझे इसमें अमन सकून नजर आता है। मैंने पाकिस्तान फौज के साथ कुछ वक्त गुजारा है। मैं बहुत मुतासिर हूँ। I see peace in it. I have spent time with the Pakistan Army. I am very impressed. Indian media हमेशा बात बड़ा चढ़ा के कहती है। Indian media always exaggerates a lot. अच्छा, ये जो exaggerate word है, इसका मतलब होता है बड़ा चढ़ा के बताना, ठीक है। और students अक्सर confused होते हैं इस word की pronunciation में, कि हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड। इसलिए मैं आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन सुनवा देता हूं ताकि आप इसको सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकें, ठीक है। एग्जैजरेट, एग्जैजरेट, एग्जैजरेट।
Exaggerate, exaggerate. Exaggerate, 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 exaggerate. अगर आपको अभी भी इसकी प्रोनंसिएशन समझ में नहीं आए तो अपने अल्फाजों में मैं आपको इसकी प्रोनंसिएशन समझा देता हूँ. इसकी प्रोनंसिएशन है एक्सैजुएट ओके. तो चलें अब आगे बढ़ते हैं. जो छोटी सी चीज होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो. जो छोटी सी चीज होती है उसको इतना आग लगा के इतनी मिर्चे लगा के बोलते हैं. इट ऑलवेज गिव्स एयर टू स्मॉल थिंग्स एडिंग फायर एंड स्पाइसेस टू इट. उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं. पीपल गेट मिसलीड बाय इट.